तो आज मैं आ गया हूँ एथर के एक्सपीरियंस सेंटर में, जो कि है वसई ईस्ट में, और आज मैं आपको देने वाला हूँ इस एथर के एक्सपीरियंस सेंटर का टूर, और आपको बताऊँगा एथर के ईवी स्कूटर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। तो यार वीडियो में बने रहो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हे गाइस, मैं हूँ स्वतंत्र यादव एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एक्सपीरियंस सेंटर में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने मिली। ये है एथर ग्रिड, जो आपको एथर के हर एक्सपीरियंस सेंटर पे देखने मिल जाएगा। अब इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इससे अपनी एथर व्हीकल तो चार्ज कर सकते हो, लेकिन साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया एक सॉकेट। तो अगर आप एथर व्हीकल के अलावा भी कोई ईवी स्कूटर ओन करते हो तो यहाँ पे आप आके चार्ज कर सकते हो। फिलहाल तो ये फ्री है, लेकिन फ्यूचर में आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे करके अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। तो यार अभी चलते हैं एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर और देखते हैं कि हमारे पास क्या है देखने के लिए। तो एथर के एक्सपीरियंस सेंटर में आते ही आपको पहले दिखेगा ये एल्यूमिनियम का स्केलेटन फ्रेम, जो कि अपने हर ईवी स्कूटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेम एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसका वेट जो है स्कूटर का काफ़ी लाइट रहता है। तो एथर के जो स्कूटर्स हैं वो 111 kgs वेट करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ यहाँ के स्पेसिफिकेशंस, जैसे एक्सेलरेशन जो है वो 3.3 सेकंड्स में 0 to 40 seconds, मैक्स स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर, और अलग अलग मोड्स, एको मोड, राइड मोड, वैप मोड और स्पोर्ट्स मोड। स्पीड 80 किलोमीटर्स की रहती है, लेकिन टॉर्क जो है वो मोटर का चेंज होता है हर मोड में। तो IDC रेंज जो है वो आपको एथर 146 का देता है, लेकिन जो ट्रू रेंज है वो 105 का आपको मिल जाता है। अगर 105 का रेंज दिखा रहा है एथर के स्कूटर में, मतलब 105 का रेंज आपको ट्रू रेंज मिलेगा व्हाइल यू ड्राइव द एथर व्हीकल। यहाँ पे एथर का एक ग्रिड चार्जर रखा हुआ है, जो कि एक डमी है, ये इट डजंट वर्क, बट हाँ इन्होंने एक सैम्पल में दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपका होम चार्जर है, जो आपको एथर के ईवी स्कूटर के साथ मिलता है। ये आपका नॉर्मल प्लग में लग जाता है, और ये पॉइंट जो है आपका बाइक में लगता है। 5 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है इसमें, और 5 आवर्स लगते हैं आपको एथर के ईवी स्कूटर को चार्ज करने में। यहाँ पे एक और एक चार्जर सेटअप दिया हुआ है। जब भी आप एथर की स्कूटर बाय करते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप ये माउंट के साथ जा सकते हो, या तो आप होम चार्जर ले सकते हो। ये है इनका बैटरी पैक, जो कि 3.7 किलो वॉट का है। लिथियम आयन बैटरी पैक है, वाटर रेजिस्टेंट है, 3 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है ये बैटरी पैक, जो आपको एथर के व्हीकल मिल जाएगा। एथर 450X के अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी आता है, और एथर 450 प्लस में 3.1 किलोवाट का बैटरी आता है। यह है मोटर जो एथर के ईवी स्कूटर्स में यूज़ होता है। 6.2 किलोवाट PMS का मोटर है, एंड 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है ये मोटर। एक्सेलरेशन के यहाँ पे 2 बेल्ट यूज़ होते हैं, एक यहाँ पे है और एक दूसरा बेल्ट यहाँ पे यूज़ होता है। और जो मोटर है वो यहाँ पे व्हील में अटैच नहीं है, वो यहाँ पे सेपरेटली माउंटेड है बैटरी पैक के ऊपर। ये है डिस्कशन एरिया एथर के एक्सपीरियंस सेंटर का, जहाँ पे जो भी यूज़र यहाँ पे विजिट करता है वो यहाँ पे बैठ के, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, उनसे सारी डिटेल स्कूटर के बारे में ले सकता है। ये है साइड स्टेप फुटरेस्ट, जो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है। आप जब भी एथर की स्कूटर बाय करते हो, आपको ऐसे 2 हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसका आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता, हाफ फेस हेलमेट है ये, राइडर और पिलन राइडर दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अगर आप फुल फेस हेलमेट लेना चाहते हो तो ब्रांडेड हेलमेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, फुल फेस हेलमेट्स, जो कि आप एज एन एक्सेसरी बाय कर सकते हो। यहाँ पे एक और हेलमेट हमारे पास, ये भी ब्रांडेड हेलमेट है, लेकिन ये हाफ फेस हेलमेट है, ये भी आप एज एन एक्सेसरी बाय कर सकते हो एथर के एक्सपीरियंस सेंटर पे व्हाइल बाइंग द एथर ईवी स्कूटर। तो हमारे साथ आ जाए राजेश पिंपलकर, जो कि एथर वसे स्टोर के स्टोर मैनेजर है। हम उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे आज एथर स्कूटर के बारे में। सो हाय राजेश। हाय हाय। सो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एथर स्कूटर में एक बेस्ट फीचर क्या है? एक एथर स्कूटर के बारे में अगर मैं बताऊँ एक बेस्ट फीचर, तो इसके अंदर ऐसा है कि आपने एक रियल टाइम ट्रैकिंग जो इसके अंदर है, आप अपना स्कूटर ट्रैक कर सकते हैं कि अभी फिलहाल ये स्कूटर कहाँ है। अगर मेरी स्कूटर बंद है क्या तब भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ? यस, यू कैन ट्रैक इट। ओके, तो अगर एक तरीके से थेफ्ट अगेंस्ट थेफ्ट है, yes, तो अगर मेरी स्कूटर कहीं गुम जाती है, हाँ जी, तो भी मैं बंद स्कूटर को ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक कर सकते हैं, यस, यू कैन ट्रैक इट। आपके एथर के ऐप के थ्रू। एथर के ऐप के थ्रू, दैट्स रियली नाइस फीचर। मुझे और एक चीज़ बताइए कि अगर मैं बाकी ब्रांड्स को कंपेयर करूँ एथर से, तो ऐसे क्या 3 से 4 डिफरेंशिएटर हैं जो मुझे एथर में मिलेंगे कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बैटरी पैक जो है, ओके, फर्स्ट तो इट इज़ अ फिक्स्ड बैटरी पैक, ठीक है, तो ये बेस में है यहाँ पे, ठीक है।
इसके अंदर ना अभी तक डी जनरेशन का हुआ नहीं है, मतलब कि ना एटलीस्ट फॉर आफ्टर 5 years इट स्टार्ट्स टू डी जनरेट. डी जनरेट मतलब कि ना उसका पावर कैपेसिटी कम कम होते जाता है. अभी तक इसके अंदर आया नहीं. तो आप ये कह रहे हो कि अगर फर्स्ट ईयर में मुझे एक पर्टिकुलर रेंज मिल रहा है, हाँ, तो आफ्टर 2 to 3 years भी मुझे सेम ही रेंज मिलेगा. अगर वो उससे कम देने लगा या फिर डी जनरेट होने लगा, वी विल गिव अ फुल रिप्लेसमेंट. डी जनरेट हुआ तो बैटरी रिप्लेस करके मिल जाएगा. रिप्लेस करके दैट्स रियली ग्रेट. दूसरी बात देखेंगे कि इसके अंदर जैसे कि बैटरी जो फिक्स्ड है तो उसके अंदर फायर के चांसेस बहुत कम है. जो इंसिडेंट्स आजकल के हो रहे हैं, इट इज बिकॉज द मोटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी. अगर कुछ भी स्पार्क होता है तो देर इज अ चांस ऑफ एक्सप्लोड और फायर, which in this scooter it will never happen. और एथर का मेरे ख्याल से अब तक कोई भी ऐसा अभी केस तक आया नहीं है, आया नहीं है, right? आया नहीं फायर का. That's really और good. और एक फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मतलब ना जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि इसका जो सर्विस इंटरवल है इट इज़ एवरी 5,000 kilometers. सो दैट आई गेस इज द वेरी नाइस यू नो एडवांटेज फॉर बेनिफिट टू द कस्टमर्स एक्चुअली कि हर 5,000 kilometers पे आपको सर्विस करना है, ठीक उसके है? पहले नहीं. ओके और सर्विस करने के लिए तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं. इट इज़ जस्ट यू नो द डिस्क पैड्स एंड ऑल. सर्विस कॉस्ट कितना आता है इसका? 472 rupees. 472 rupees पर सर्विस. पर सर्विस. सो आई कैन अज्यूम कि 472 rupees पर 5,000 kilometers. यस. कूल. वी आर गिविंग 1 year फ्री ऑफ चार्जिंग टू कस्टमर्स फ्रॉम आर एथर ग्रिड्स. ओके तो हमारे एथर ग्रिड जो बाहर लगे हैं, ओके तो वहाँ पे अगर कस्टमर्स आते हैं तो देव गॉट बेनिफिट ऑफ मल्टीपल चार्जिंग एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द नाइट, फ्री चार्जिंग. फ्री चार्जिंग फॉर इट, दैट इज फॉर 1 year. इन दिस यू कैन से द बेनिफिट टू द कस्टमर इज द ऑल एल्यूमिनियम चेसी. लाइक इफ यू सी हियर वी हैव डिस्प्लेड अ नेकेड वर्जन ऑफ द बाइक इन विच इट्स ऑल एल्यूमिनियम, सो देर इज नो चांस ऑफ रस्टिंग. प्लस द मोटर एंड द बैटरी हैज गॉट 3 layers ऑफ कवरिंग, wax covering, so there is no you know chance of any water going inside or any moisture or anything which can be damaged the motor. Got and it. The battery, that's all. So that I guess is the really good feature of Ather vehicles. Plus you can say the design of the vehicle is much more sportier, you know, the looks of the vehicle, if you can see the design, the headlight design, you know, the front, it really attracts the younger generation, you know, to buy this vehicle. Plus, I can say the disc placement, the disc, brake disc, it is placed on the left-hand side of the front vehicle and right-hand side of the rear vehicle to balance. So it really helps in balancing of the vehicle, the weight balancing. तो front side में front side में left में left में है और back side में ये right side right में है. तो ये braking के time balance करता create करता है. तो ये कौन सा model है? ये अब दोनों scooter एक जैसे ही दिखते हैं. Okay. सिर्फ software का फर्क है. तो एक X model है जो top model है और जो बेसिक मॉडल है उसको बोलते हैं प्लस. और ये अभी जो हमारे पास है कौन सा मॉडल है? ये हमारे पास में एक्स मॉडल, एक्स मॉडल विच इज अ टॉप मॉडल. टॉप मॉडल. तो अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो मुझे टॉप मॉडल जो कि 450X है वो यहाँ वसे में कितने का पड़ेगा? 1,61,800 इंक्लूडिंग द सब्सिडी. इंक्लूडिंग द सब्सिडी मतलब कि हम सब्सिडी ऑलरेडी दे चुके हैं कस्टमर को. 1,62,000 में आपको ऑन रोड पड़ेगा विद इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन. और जो इसका एक लोअर वेरिएंट है 450 प्लस उसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा? 1,40,070 rupees. एंड एक्सेसरीज हमें ऐसे कुछ मिलती नहीं है राइट जब हम बाय करते हैं एडिशनल? यस ठीक है. एडिशनली आपको ना दो चीज़ इसके अंदर आप डाल सकते हैं. अगर आपका वेरिएंट जो है वो टॉप वेरिएंट है एक्स मॉडल तो आप इसके अंदर TPMS मतलब कि ना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ओके ये आप डाल सकते हैं. आपका ना एयर प्रेशर जो रहेगा आगे और पीछे वो आपको डिस्प्ले किया जाएगा 7 inch के स्क्रीन. गॉट इट. मतलब एयर प्रेशर टायर का मैं अपने डिस्प्ले में देख सकता हूँ? देख सकते हैं. तो आपको ना बार बार वो चेक करने की जरूरत नहीं, आपको बता देगा यूनिट. दैट्स रियली गुड फीचर बट इट्स एन एक्सेसरी. प्लस लेडीज़ के लिए एक साइड बैठते हैं तो उनको एक साइड स्टेप का ऑप्शन दिया जाता है. साइड फुट रेस्ट तो वो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. गॉट इट. और हाफ फेस हेलमेट फ्री में मिलता है? यस. स्कूटर के साथ? यस. लेकिन अगर फुल फेस हेलमेट चाहिए होता तो हमें वो बाय करना पड़ता है एज एन एक्सेसरी. राइट. फॉर वन राइडर और फॉर बोथ द राइडर? बोथ द राइडर. फॉर बोथ द राइडर. सो हाफ फेस हेलमेट बोथ द राइडर्स के लिए एथर स्कूटर के साथ फ्री है. और अगर आप फुल फेस हेलमेट चाहते हैं तो आप एज एन एक्सेसरी वो बाय कर सकते हैं. सो अगर एक यूज़र को एथर की स्कूटर बुक करनी है या फिर टेस्ट राइड बुक करनी है तो किस तरह से बुक कर सकता है? इधर ही कैन कम टू द एक्सपीरियंस सेंटर हियर. ओके. और ही कैन बुक इट थ्रू etherenergy.com. ओके. वहाँ पे वेबसाइट में जाके आप बुक कर सकते हैं. तो वेबसाइट से टेस्ट राइड और व्हीकल दोनों बुक हो जाएगा. यस. सो अभी हम एथर 450X का टेस्ट राइड लेने वाले हैं और देखते हैं हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है
एथर 450X पे। तो अभी हम इसे एको मोड में चला रहे हैं और हर मोड में आपको जो टॉप स्पीड है वो 80 की मिलती है। इसके अंदर कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है मोड में कि आप एको में इस पर्टिकुलर स्पीड तक ही जा सकते हो, हर मोड में आप 80 के स्पीड तक जा सकते हो। अब इसे डालते हैं हम राइड मोड पे। अब राइड मोड पे डाल दिया है, यहाँ पे R लिख के आ रहा है राइड मोड के लिए, एको मोड पे E लिख के आ रहा था, और जो यहाँ पे 49 किलोमीटर दिखा रहा है ये ट्रू रेंज है। और एथर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो ट्रू रेंज दिखाता है उतना गाड़ी चलता है। अगर 49 दिखा रहा है तो 49 चलेगा। अभी हम इसे राइड मोड पे चला रहे हैं और अभी से हम मोड चेंज करेंगे, स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया हमने। अभी हर मोड में वेरी सिर्फ मोटर का टॉर्क करता है, मोटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड या वैप मोड में डालोगे। बाकी टॉप स्पीड हर एक मोड में आपको 80 का ही मिलेगा एथर के 450X में। अब हम इसे डालते हैं वैप मोड में, जो कि एथर 450X का आप हाइपर मोड कह सकते हो, सबसे पावरफुल मोड है। मोटर का स्टॉक सबसे ज़्यादा रहता है वैप मोड में। अभी हमने इसे डाल दिया वैप मोड में, जो कि सबसे पावरफुल मोड है एथर 450X का। तो टेस्ट राइड लेके हमारा हो गया। एक्सपीरियंस राइडिंग का बहुत ही अच्छा था। हाइट थोड़ी कम है कम्पेयर टू ओला S1 प्रो, लेकिन स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, और पिलियन राइडर के यहाँ पे जो फुटरेस्ट का अरेंजमेंट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिलियन राइडर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है यहाँ पे बैठने में। उसके अलावा जो वैप मोड है इसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके अंदर भी 4 मोड्स आते हैं, एको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड और वैप मोड। वैप मोड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी एको मोड में बहुत स्लो पिकअप है इसका। अभी मैं इसको राइड मोड में डाल देता हूँ। राइड मोड में अगर आप देखोगे तो थोड़ा इसका टॉर्क मोटर का बढ़ जाता है, और अगर मैं इसे आपको दिखाऊं स्पोर्ट्स मोड में डाल के तो स्पोर्ट्स मोड में टॉर्क और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस मोड। और इसका जो वैप मोड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इसे वैप मोड में डाल दिया है। पिकअप देखते हैं इसका, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल आता है मोटर का, क्योंकि स्पीड जो है वो हर एक मोड में, टॉप स्पीड हर एक मोड में सेम ही रहता है, जो बढ़ जाता है वो है मोटर का टॉर्क। ये एक्सपीरियंस सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था, सारे लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और जो यहाँ के स्टोर मैनेजर हैं राजेश पिंपलकर बहुत ही स्वीट इंसान है। और यार इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।